तस्करों को गिरफ्तार करने में बीएसएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। बीएसएफ ने देर रात सीमा से एक बांग्लादेशी व्यक्ति को हिरासत में लिया है। गुरुवार की रात एक बांग्लादेशी व्यक्ति ने श्रीमुख बीओपो की खुली सीमा पर घने कोहरे का फायदा उठाते हुए गायों के तस्करे के लिए भारत में घुसने की कोशिश की। बीएसएफ अधिकारियों ने बताया कि चार और व्यक्ति साथ में थे जो भागने में फरार हो गए, लेकिन एक बांग्लादेशी तस्कर को चार गायों के साथ में पकड़ा गया है। खबर मिलने के बाद बीएसएफ के फलाकटा सेक्टर के कमांडेंट मौके पर पहुंचकर 169वीं बटालियन कमांडेंट ने मौके पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि वह पहले भी कई बार 3 बीघा कॉरिडोर से भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर चुके हैं। वह अपने बांग्लादेशी पासपोर्ट के माध्यम से कई बार भारत में घुसा है। चंगड़ा गंदा बॉर्डर से आया जाया करता था। पूछताछ के बाद बीएसएफ अधिकारियों ने उसे माथाभंगा थाने को सौंप दिया है। पूछताछ के दौरान वह तस्कर ने कई लोगों का राज खोला है। देखिए, भारत बांग्लादेश बॉर्डर के 3 बीघा से चेंगड़ा बंदा के विशेष रिपोर्टर संतोष कुमार शर्मा का यह विशेष रिपोर्ट। बीएसएफ के कमांडेंट दिवाकर कुमार ने क्या कहा, देखिए एनआई द्वास न्यूज और अपने इलाके के खबरों से जुड़े रहिए। सीओ साहब, आपका सिरबुक जब यूपी है सर, इसमें एक बांग्लादेशी को सर आप लोगों ने पकड़े सर कल रात को, सर इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए हमको आप। हाँ, इसमें ऐसा है कि कल रात में हमारे एसीपी पाटिल ने एक बांग्लादेशी के साथ चार कैटल को पकड़ा है। उसके पास एक नोकिया मोबाइल भी है, जिसमें एक सिम तो बांग्लादेश ग्रामीण फोन का है और दूसरा सिम इंडिया के बीएसएनएल का है। ये बंदा चंगड़ा बंदा के पास पानवारी का रहने वाला है जो बांग्लादेश में, इसके पास वैलिड पासपोर्ट भी है और इसका कहना है कि ये चंगड़ा बंदे के थ्रू कई एक बार पासपोर्ट का यूज करके इंडिया आया हुआ है और दो शादियाँ इसने कर रखी है। पहली शादी इसकी 2010 में बांग्लादेश में ही पतगाम में हुई है, दूसरी शादी इसने 2012 में इंडिया में नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में की है। टोटल 3 बच्चे हैं इसके और इसका कहना है कि यही स्मगलिंग का ही काम करता है, कैटल का ये। और कल भी इसका इंटेंशन था कि धुंध का फायदा उठा करके ये लोग लेकर के जाए, कैटल को स्मगलिंग करे, लेकिन हमारे ट्रूप्स अलर्ट थे जिसके कारण से ये लोग सफल नहीं हो पाए और इसको पकड़ा है, इसके साथ 4 कैटल भी पकड़ा गया है। तो सर इसे कितने बंदे आते हैं सर एक बार रात को सीमा पर होंगे? काफ़ी लोग आते हैं, बड़े तादाद में 25 से 30 के तादाद में आते हैं और इंडिया की तरफ से भी और बांग्लादेश की तरफ से भी, दोनों तरफ से इतने तादाद में ये रहते हैं और फेंस ब्रीच करके इनकी कोशिश होती है लेके जाने की, या नहीं तो कहीं पर अगर कोई फेंस में गैप है, जैसे कोई अनफेंस्ड एरिया है, कोई कलवट है, कोई ब्रिज है जिसके नीचे अनफेंस है, वहाँ से कोशिश करते हैं। लेकिन अभी आने के बाद हम लोगों ने ये कर दिया है कि जितने भी हमारा कलवट और ब्रिजेज हैं उसके नीचे कसटीना कोयल लगा करके हमने उसको इस तरह से इंटेक्ट कर दिया है कि वहाँ से इनका ले जाना संभव नहीं है अभी कैटल को। इसके कारण से ये जो हमारा करीब 1857 मीटर का अनफेंस्ड एरिया है सिरमुख के एरिया में, जिसमें हमने टेम्प्रोरी बारवेड वायर लगा करके फेंसिंग लगा रखा है, वहाँ पर से ये लेकर के जाने की कोशिश कर रहा था इसको, लेकिन हमारे ट्रूप्स अलर्ट थे, आज भी सफल नहीं हो पाया है। और धुंध का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, धुंध काफी ज्यादा हो रही है सर। धुंध से सर रोकने के लिए सर आप लोग बीएसएफ किस तरीके से ड्यूटी लगा रहे सीमा पर गश्त? अभी हमने ऐसा किया हुआ है कि ऐसे प्रत्येक बंदे के पास हमारे 100 सेटेलाइट होता है और अभी हमने क्या किया है कि जो व्हीकल पेट्रोलिंग है इसको हमने फ्रिक्वेंसी ज्यादा बढ़ा दी है। आज के डेट में हमारे एक भी बीओपी में एक भी व्हीकल रात में नहीं रहती है, सारे व्हीकल को हम बॉर्डर रोड पर रख रहे हैं और बॉर्डर रोड के अलावे जो फेंस के आगे का एरिया है इसका यहाँ डोमिनेशन हमने ज़्यादा अपने बढ़ा दिया है बांग्लादेश की तरफ, फेंस की तरफ, फेंस के आगे बांग्लादेश की तरफ के एरिया में, क्योंकि जब भी फेंस ब्रिज होती है तो ये बांग्लादेश से आकर के फेंस ब्रिज करते हैं
और जब हमारे बंदे फेंस के आगे होते हैं तो इनको एक डर बना रहता है, जिसके कारण से थोड़ा अभी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं इसको। तो सर इसको फिलहाल अभी क्या करेंगे बांग्लादेशी को सर आप लोग? अभी हमने इसको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है, जो कैटल है उसको, जो खोट है उसको हैंड ओवर कर दिया है हमने, और इसका इंट्रोगेशन किया गया है। इससे और भी कई एक लिंक मिले हैं जो इसके साथ ही इंडिया वाले जो इन्वॉल्व हैं इसमें, नज़दीक कई दो गांव है उसके ज़्यादातर लोग हैं, और जो बांग्लादेश के इसके साथी हैं उसके बारे में पता चला है। तो FIR में मैंने जो इंडियन लोग इन्वॉल्व हैं इसके बारे में बताया है। अब पुलिस देखें उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। अगर पुलिस उनका उसका बिल्कुल स्पष्ट नाम उसका बता रहा है और इससे लीड लेकर के उसके यहाँ छापेमारी करें तो पकड़े जा सकते हैं वो, और तभी जा करके स्मगलिंग के ऊपर कंट्रोल हो सकती है। जब तक कि जो मेन लोग इन्वॉल्व हैं इंडिया की तरफ से उनको पकड़ करके बिहाइंड द बार नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग इस तरह का इफर्ट हमेशा करते रहेंगे। क्योंकि एक दो पकड़े गए, ज़्यादातर संख्या में लोग जो इधर हैं वो बिना पकड़े हुए रह जाते हैं, उनको पकड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। भाई तुम्हारा नाम की? मोहम्मद शाहीन इस्लाम। बाड़ी कोथा है? बांग्लादेश। वहाँ से कौन जगह है? पानबाड़ी, तीन बिया कॉरिडोर, पानबाड़ी। कब आसे इंडिया ते? काल की। कौन दिख दिया सिला? पाटग्राम हुए, मुंशीरड हुए, गुड़ीपड़ा बॉर्डर हुए, इंडिया ढुक सिला गुड़ीपड़ा करते। कत गुरु नहीं गेसिले एकसाथे? गुरु नहीं आसलाम 47। तो बैग सब বাকিগুলো সব ব্যাগ চলে গেছে আর চারটা গরু আর আমি ধরা পড়েছি। তোমার বাংলাদেশে কতজন আসছে একসাথে? 37 জন। ইন্ডিয়াতে? জি। গরু নেওয়ার জন্য? জি। গরু নিতে পারছিলা? না। কেন? বেঁচে ধরা পড়েছে। পারো নাই? তুমি ধরা পড়ে গেছিলা? জি। একটা গরু কত টাকা পাও পার করলে? 5000। 5000 টাকা পাও? আর দুইটা নিয়ে গেলে? 10000। এর আগে ইন্ডিয়া কতবার আসছিলা? শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি হয়ে বহরমপুর মুর্শিদাবাদ, তারপর হচ্ছে কলকাতা। অন্য চলে গেছিলা? তোমার কি ইন্ডিয়ার কি পাসপোর্ট আছে? জি। পাসপোর্ট আছে? জি আছে। কোন দিক দিয়ে যাওয়া আসা করো? চাংলাবান্ধা। চাংলাবান্ধা বর্ডার দিয়া? কতবার আসছে পাসপোর্ট দিয়া? ম্যাক্সিমাম 8-10 বার। আর তুই গরু ব্যবসা করো? না, আমি ভারী গরু, মানে মানুষের গরু আদান প্রদান করি। বাইকটা শোনো না, ठीक है, धन्यवाद। गुमशुदा मुखबिर युवक को घर पहुंचाने में करे सहायता। विजय लोहार, उम्र 18 वर्ष, रंग सांवला, लंबाई 5 फुट है। 2 नवंबर को अपने घर से निकला था, जो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा है। परिवार के सदस्यों ने बानाहाट थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह बता दें कि विजय लोहार, उम्र 18 वर्ष, रंग सांवला, शरीर से 5 फुट लंबाई, जन्मजात दिव्यांग है। वह बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति को अगर इनके बारे में पता चलता है तो कृपया कर स्थानीय पुलिस थाने में इसकी सूचना दे एवं विजय लोहार की मां पुष्पा लोहार को इस फोन नंबर पर संपर्क करें, 7076296672 7076296672। इस फोन नंबर पर संपर्क करके संबंधित विषय में सूचना दे। गुमशुदा मुखबिर युवक विजय लोहार जलपाईगुड़ी जिला के बानाहाट थाना अंतर्गत कटहलगुड़ी चाय बगान के डिवीजन लाइन का रहने वाला है। पिता का नाम विकास मुंडा, माता का नाम पुष्पा लोहार है। दोनों चाय बगान में श्रमिक के पद पर काम कर रहे हैं। दोनों माता पिता ने पिछले 20 दिनों से अपने मुख्य बगीर बच्चे को खोजने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अतः दर्शकों, आप सब कहीं भी अगर विजय लोहार को देखते हैं तो कृपया इनकी सहायता कर उस दिव्यांग युवक को अपने घर तक पहुँचाने में सहायता। मेरा नंबर हो 7076296672। बच्चा अलीपुर बुम्बई स्कूल में। बच्चे का स्थिति क्या है? बच्चा बोल नहीं सकता है, कान नहीं सुनता है। एक बार हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाइए बच्चे का।
और क्या कहना चाहते हैं लोगों से? मैं कहना चाहती हूँ, ये मेरा बड़ा लड़का है, घर से खो गया है, कोई किसी को भी मिल जाने से, किसी कोई भी देख लेने से हमको इस नंबर पे कांटेक्ट करें, फ़ोन कर दीजिएगा और सब हम लोग का बच्चा को देखेगा तो हमको बता देगा कि हाँ यहाँ पर है बोल के फ़ोन कर देगा, वो तो अच्छा होगा। वो लोग को लिए धन्यवाद करेंगे कि वो लोग जो भी बोलेंगे हम लोग देख लेंगे उसको। आपका घर? कठरगुड़ी डिवीजन लाइन बानरहट थाना। बानरहट थी और क्या रंग था उनका? वो 18+ था सर और वो सादा कलर का था। आप ही के रंग का? तो इसको लेकर आपने बानरहट थाने में FIR दर्ज किया? हाँ, के मिसिंग केस दिए थे। पुलिस से क्या सूचना मिली है? कुछ सूचना तो अभी तक आया नहीं हम लोग को, फिर भी हम लोग दो ही आदमी, हम लोग बहुत सब तरह से हम लोग ढूंढ चुके हैं, उसको ढूंढ ही रहे हैं अभी तक। हम लोग कितना दिन से ढूंढ ही रहे हैं कि अभी दो आदमी हैं, हम लोग कभी इधर चले जाते कभी उधर चले जाते, ढूंढ ही रहे हैं बच्चे को कि भगवान का दुआ से किसी तरह मिल जाए बच्चा, इसी कारण से हम लोग ढूंढ रहे हैं। बच्चा को गुम होने के बाद कितने दिनों बाद आपने FIR किया था थाने में? दूसरा दिन, 3 तारीख। 3 तारीख को? अच्छा, दूसरा दिन ही किया। लगभग आज 18 दिन हो गए। बच्चा कौन कहाँ पे पढ़ता था, कौन क्लास में पढ़ता था? यहाँ से हो गया अलीपुर में मुंबई स्कूल है, अलीपुर से बगल में, वहाँ पर पढ़ता था। कितना उम्र था बच्चे? 18+। आपका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 707-629-6672। चाचा जी, ये जो दिव्यांग बच्चा जो मुंह से बोल नहीं पाते थे, कान से सुन नहीं पाते थे, विजय लोहार, ये घर से जब निकल के जा रहा था तो आपने देखा था? हाँ, वहाँ बैठा था, देखा है, हम सीधे चला गया। अच्छा, क्या लेकर जा रहा था वो? हाथ में कुछ था? बैग था, काला पला ड्रेस था उसका, काला रंग का कपड़ा पहना हुआ था, टी शर्ट की शर्ट। मेरे काला रंग पहन रहे आप, शर्ट रहे की वजह थी रहे, मगर फुल पेंट काले रंग के रहे।